सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह और आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हैं फ्रांस टूरिस्ट वीज़ा पे कि फ्रांस का टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और अपॉइंटमेंट इसकी कब की मिल रही है। और आज की वीडियो एंड तक जरूर देखें और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है, शेंगन वीज़ा मिलता है। शेंगन वीज़ा मींस यदि आपके पास फ्रांस का वीज़ा है तो अदर्स जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, 26 कंट्रीज़ हैं जो शेंगन में आती है, उस शेंगन जोन के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं फ्रांस की वीज़ा पर। बट उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ क्लॉज हैं जो क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी आइटनरी इस तरीके से बननी चाहिए कि यदि आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, यदि आइटनरी एज पर फ्रांस नहीं होगी तो फ्रांस से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। और इसी तरीके से जब आपका वीज़ा आता है तो ट्रैवल करते हुए भी कुछ कंडीशन होती हैं। आपको सबसे पहले जो आपको बॉर्डर क्लियर करना होगा वो फ्रांस से ही करना पड़ेगा। आप किसी और कंट्री में नहीं जा सकते यदि आपने फ्रांस का वीज़ा लिया है तो पहले आपको फ्रांस जाना होगा, फ्रांस के बाद फिर अदर्स कंट्रीज़ में जा सकते हैं। तो फ्रांस का वीज़ा शेंगन है तो फ्रांस में एक बार आप गए उसके बाद जब तक आपका वीज़ा वैलिड है उस बीच में आप किसी भी शेंगन कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि अभी जो कोविड की सिचुएशन के कारण जिन कंट्रीज़ ने इंडियंस के लिए अभी अपने बॉर्डर ओपन नहीं किए उनमें आप नहीं जा सकते, बट जिन्होंने बॉर्डर ओपन किए हैं आप उन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आप अपनी फाइल लगाएं जिससे आपके वीज़ा में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप वीज़ा ले सकें। तो अब आते हैं वीज़ा प्रोसेस पे। तो सबसे पहले आपको अपना फॉर्म फिल करना होता है, वो आपको फ्रांस की इमिग्रेशन साइट पे जाके फिल करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ऑफलाइन फॉर्म नहीं है इसका जैसे स्विट्जरलैंड या अदर कुछ शेंगन कंट्रीज़ में है, बट फ्रांस में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। वहाँ से आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, वो रेफरेंस नंबर के द्वारा आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट जब बुक होती है तो आपको अपने स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अब यहाँ पे स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट की बात करें तो स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट रहते हैं एज पर आपकी प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल कैसी है, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट जो ये प्रूफ कर सके कि आप वाकई में बिजनेस कर रहे हैं वो आपके स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट होंगे। बिजनेस रजिस्ट्रेशन होगा, आपका करंट अकाउंट होगा, इनवॉइस बिल आपके होंगे, ये इस तरह के आपके डॉक्यूमेंट जो हैं आप साथ में लगा सकते हैं प्रूफ करने के लिए कि आप वाकई में ही बिजनेस कर रहे हैं। आपकी साल की इनकम कितनी है ये भी आपको शो करनी है, वो आप शो करते हैं ITR से, तो ITR भी आपके बिजनेस से मैच करती हो ये इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। फंडिंग आपको शो करनी पड़ेगी दिखाने के लिए कि जब आप फ्रांस में ट्रैवल करोगे या अदर शेंगेन कंट्री साथ में ट्रैवल करोगे तो उसका जो एक्सपेंस है वो आप कैसे बियर करेंगे, आप कैसे उनको पे आउट करोगे, तो उसके लिए आपको अपनी फंडिंग शो करनी होती है। फंडिंग में आप अपनी लिक्विड फंड मस्ट है आपको दिखाना पड़ेगा, साथ में स्पॉटिंग में आप FD भी शो कर सकते हैं और आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट भी आप साथ में लगा सकते हैं। बट आप अकेले क्रेडिट कार्ड के बेस पे वीज़ा नहीं ले सकते, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट 10 लाख की क्यों ना हो, आपको साथ में लिक्विड आपको शो करना ही पड़ेगा, सेविंग में अकाउंट में पेमेंट शो करनी ही पड़ेगी। इसी तरीके से आपके पास FD है तो FD के बेस पे आप अकेले वीज़ा नहीं ले सकते, बट सेविंग के साथ आप इनको स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं जिससे आपके वीज़ा के चांस जो हैं बढ़िया हो जाए। अदर्स जो स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट हैं वो आपके फैमिली प्रूफ है और साथ में आप अपनी प्रॉपर्टी के प्रूफ भी लगा सकते हैं या और भी जो आपकी अदर्स इनकम है तो उनके भी आप डॉक्यूमेंट साथ में लगा के अपनी फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वीज़ा की जो कॉस्ट है वो है आपको वैसे फीस 7200 रुपीस पे करनी होती है, इसके साथ आपके VFS के कोई चार्जेस रहते हैं जो 2700 अप्रॉक्स है और आप कुरियर की सर्विस ले रहे हैं तो 500 आपको उसके एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो ये है कॉस्ट जो आपको फ्रांस वीज़ा अप्लाई करते वक्त आती है। और इसके साथ साथ आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। ट्रैवल इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो मेक श्योर जो ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी शेंगन में वैलिड हैं आप जस्ट उनका ही ट्रैवल इंश्योरेंस लगाएं, अदरवाइज़ कुछ और गलत आप इन ट्रैवल इंश्योरेंस लगाते हैं तो यदि आप कोई गलत ट्रैवल इंश्योरेंस लगाते हैं तो आपके वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपका एज पर शेंगन रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए
और साथ में मेक श्योर कि जितने दिन के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं उतने दिन तो वो कवर करे ही, बट उससे एक्स्ट्रा डेज भी उसमें इंक्लूड होने चाहिए कि इन केस आपके वहाँ पे कोई मिस हैपनिंग होती है या आपको क्वारंटाइन करना पड़ जाता है, तो उसके एज पर तो आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो एटलीस्ट रहे। यदि आप टेन डेज के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि 1 मंथ का ट्रैवल इंश्योरेंस लगाएँ। इसके साथ आपको आइटनरी भी लगानी होती है कि जैसे जैसे आप डे बाय डे ट्रैवल करने वाले हैं तो उसकी आप डिटेल्स साथ में लगाएं कि आप इतने दिन के लिए फ्रांस में ट्रैवल करेंगे, कौन सी सिटी में ट्रैवल करेंगे और कहाँ रहेंगे। होटल के नाम के साथ होटल की बुकिंग भी मैंडेटरी है और आप साथ में एक एयर टिकट कन्फर्म जरूर लगाएं। कन्फर्म मीन्स आपने यदि पे नहीं भी किया बट आपको PNR जनरेटेड यदि आपको एयर टिकट मिलती है तो वो बेस्ट होती है। डमी टिकट या होल टिकट से बचें, कन्फर्म टिकट लगाएं, पेमेंट एडवांस में किए बिना भी आपको कन्फर्म टिकट मिल सकती हैं। अपनी ट्रैवल आइटनरी है वो प्रॉपर तरीके से लगाएं, आपका जो प्लान है वो कन्फर्म होना चाहिए, आपका प्लान वेल प्लान होना चाहिए, आपका जो प्लान है वो क्लियर होना चाहिए। वीज़ा अफसर को बिल्कुल क्लियर हो कि आप कितने दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, और यदि ये आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं तो आपको वीज़ा लेने में दिक्कत नहीं आती। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी फ्रांस टूरिस्ट वीज़ा के लिए। और यदि आप फ्री में असेसमेंट करवाना चाहते हैं अपने प्रोफाइल की, तो दिए गए लिंक पर जाके अपना फॉर्म फिल करें और हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करके आपकी फाइल असेसमेंट कर सकती है और आपको बता सकती है कि आप एलिजिबल हो फ्रांस टूरिस्ट वीज़ा के लिए या नहीं, या फिर आपकी प्रोफाइल में क्या कमी है वो आप कैसे दूर कर सकते हो। यदि आप हमारे थ्रू फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप फ्रांस का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। होप कि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।